मियां नवाज शरीफ आज इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी और एबटाबाद में पंडाल सजाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पिशावर के हयातआबाद ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तब्दीली ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। शेर आएगा, महंगाई को भगाएगा। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का बूरेवाला में खिताब। मरियम नवाज का मुखालफीन को करारा जवाब। कहा, नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। ये पंजाब में जहां भी जाते हैं हमारे मंसूबे ही नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। मुल्तान में मुखालिफीन पर गरज बरस। बोले, नवाज शरीफ सीपैक के बानी नहीं, चोर हैं। ये हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। रायविंड वाले समझते हैं उन्होंने मुखालिफीन का बंदोबस्त कर दिया। हम इन्हें चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। आठ फरवरी को मुंतखब होकर आवाम की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। हल्के को हर लिहाज से बाकी लाहौर के बराबर लाएंगे। अब्दुल अलीम खान की NA 117 में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। रैली निकाली, जगह जगह पुर तपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े। हजारा वेलफेयर एसोसिएशन ने अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। गली गली में शोर है वाला नारा ये पैनामा मैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं। ये रायवंड वाले समझते हैं इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है। वोट जाया ना करे, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। आओ अपने मंसूबों पर मुबाहिसा करो। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को चैलेंज। मुल्तान में मुखालफीन पर गरज बरस। बोले, नवाज शरीफ सीपैक के बानी नहीं, चोर हैं। ये हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। रायविंड वाले समझते हैं उन्होंने मुखालफीन का बंदोबस्त कर दिया। हम इन्हें चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। नफरतें मिटाएंगे, हुकूमत बनाएंगे, मसाइल हल करके दिखाएंगे। हो गई साड़ी, तकलीफों में घिरी अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। कहा, ये पंजाब में जहां भी जाते हैं हमारे मंसूबे ही नजर आते हैं। कोई इंतकाम लेकर चलता बना, कोई गालम गलोच करता रहा, सिर्फ नून लीग ने आवाम की खिदमत की। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुबाई नशिस्त पर मुकाबले के लिए अहल करार दे दिया। साबिक वजीर आला पंजाब PP 32 के अलावा तमाम हलकों से दस्तबरदार। सिर्फ इश्तेहारी होने पर किसी के कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। कहां लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। सनम जावेद भी इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला करेंगी। शौकत बसरा को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। अदालती फैसले के बाद बहुत से मुस्तरद कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर पुर उम्मीद। गौहर खान कहते हैं, हमें इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। आजाद उम्मीदवारों की कीमत कोई नहीं लगा सकता, यकीन है हुकूमत सिर्फ अवाम ही बना सकते हैं। ये जो लाहौर का गेटवे है, ये जो लाहौर का बाब है और जहां से लोग लाहौर में दाखिल होते हैं, इसको भी एक खूबसूरत लाहौर में शामिल करेंगे। 8 फरवरी को मुंतखब होकर अवाम की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। हलके को हर लिहाज से बाकी लाहौर के बराबर लाएंगे। अब्दुल अलीम खान की NA 117 में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। रैली निकाली, जगह जगह पर तपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े। हजारा वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। बारियां लेने वालों ने अवाम को सिर्फ धोखा दिया। कौम पर दहाइयों से मुसलत हुक्मरान बहरानों के जिम्मेदार हैं। खानदानी पार्टियां जान लें, अब कोई उनका गुलाम बनने को तैयार नहीं। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। कहा, अवाम 8 फरवरी को अहल और दयानतदार लोगों को मुंतखब करें।
गलियां और नालियां पक्की करने के नारे लगाने वालों को सियासत का कुछ पता ही नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में अमन और सुकून नागुजीर है। पुरानी लकीरें मिटाकर मुस्तकबिल का सोचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। हुक्मरानों ने मुल्क को मंडी बनाकर रख दिया है। अवाम 8 फरवरी को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का नवाबशाह में जलसे से खिताब। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम आपके बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिलावल को वजीर आजम बनवाएं। इख्तदार में आकर खवातीन को मालिकाना हुकूक देंगे। आसिफा भुट्टो का चनेसर गोट कराची में खवातीन से खिताब। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम जारी कर दी। मुल्क भर में 91,800 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 10,07,000 से ज्यादा अमला फराइज अंजाम देगा। 12,85,00,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और तकरीबकारी जैसी घिनौनी कार्रवाइयां। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सफीरों को सबूत के साथ मोदी सरकार के करतूत बता दिए। अमरीका, बरतानिया और कैनेडा के साथ मालूमात शेयर की जाएंगी। भारतीय सफीर की तलबी पर भी गौर। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। सहूनी रियासत को कत्लेआम से रोकने का उबूरी हुक्म जारी। खुराक की फराहमी के इकदाम की हिदायत, 1 माह में रिपोर्ट तलब। मुकम्मल जंगबंदी के बगैर अदालती अहकाम पर अमल मुमकिन नहीं। जनूबी अफ्रीका का रद्द अमल, इसराइल ने फैसला यहूद मुखालिफ करार दे दिया। नेतन्याहू का जंग जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। मुकम्मल अमल दरामद और फौरी तौर पर गैर मशहूर जंगबंदी का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल गजा में मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ है। निहत्ते फलस्तीनियों की हिमायत जारी रहेगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में अस्पतालों और अवामी मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 183 फलस्तीनी शहीद। मजमू तादाद 26,000 से बढ़ गई। हमास ने इसराइल की 3 खवातीन फौजी कैदियों की वीडियो क्लिप जारी कर दी। कैदियों का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कैदियों की रिहाई के लिए अमरीका सरगर्म। जो बाइडन का कतर के अमीर से राबिता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। BNP का मस्तोंग में सियासी पावर शो। अख्तर मेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा सिंध के 40 चोर बलोचिस्तान में सरगर्म हो गए। लोगों के जमीन खरीदने की कोशिश की जा रही है। ETI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत का ऐलान। NA 194 से दस्तबरदार। तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अहमद इसहाक जहांगीर FIA के नए डायरेक्टर जनरल तैनात। पाकिस्तान पुलिस सर्विस से ग्रेड 21 के अफसर की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी। इंटर इम्तिहानात के नतज नाकाबिले कबूल। हाफिज नईमुर रहमान की क्यादत में तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। बच्चे मायूस होकर निजी बोर्ड्स की तरफ जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का अदालत जाने का ऐलान। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी रिलीफ की उम्मीद। $2 अरब कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को धचका। न्यूयॉर्क की अदालत ने खातून सहाफी के जिनसी हिरासगी के हवाले से हत्या के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। EJN कैरोल को $83.3 मिलियन अदा करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PCB के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे उम्मीदवार। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील मुकम्मल होने पर इंतखाबात करा देंगे। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवील खुश्क साली के बाद मौसम की अंगड़ाई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और जागरा में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद।
लाहौर गुजरांवाला में मनुष्यात की ऑनलाइन फरोख्त का इंकशाफ। होम डिलीवरी करने वाला मुलजिम बागबानपुरा से रंगे हाथों पकड़ा गया। 16 किलो मनुष्यात बरामद। मुलजिम पेशावर से मनुष्यात लाकर घर की दहलीज तक पहुंचाता था।